प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। हम बनाते हैं तीन कॉलम स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक सेल्स में पतली होती है और यूकैरियोटिक सेल्स में मोटी होती है। केंद्रक प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रारंभिक अविकसित केंद्र होता है और इसमें पूर्व विकसित केंद्रक होता है। केंद्रक कला प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में उपस्थित होता है। केंद्रिका प्रोकैरियोटिक सेल्स में अनुपस्थित होती है और यूकैरियोटिक सेल्स में उपस्थित। गुणसूत्र केवल डीएनए की बनी होती है एक ढीली डाली गोल संरचना, उसे हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित बोलते हैं। ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में एक से अधिक डीएनए और प्रोटीन द्वारा निर्मित हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होते हैं। कोशिकांग में कौन कौन से आ जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिया, अंतःपिवयाभी, जालिका और लाइसोम्स तथा लवक, जो अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में उपस्थित होते हैं। रिक्तिका में रिक्तिका प्रोकैरियोटिक सेल्स में अनुपस्थित होती है, यूकैरियोटिक सेल्स में उपस्थित होती है। राइबोसोम्स 7 एंगस्ट्रॉम प्रकार के होते हैं, इसमें 80 एंगस्ट्रॉम प्रकार के होते हैं। कोशिका द्रव्य गति प्राय अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत ही स्पष्ट होता है। कशाभिका कशाभिका प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोशिका में सूक्ष्म जंतु होते हैं, 9+2 व्यवस्था अनुपस्थित होती है। यूकैरियोटिक सेल्स में कशाभिका में सूक्ष्म नलिकाओं की 9+2 व्यवस्था होती है। सूत्र विभाजन सेल डिवीजन अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में उपस्थित होता है। उदाहरण के लिए यूकैरियोटिक सेल्स में हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल सॉरी जीवाणु, इंग्लिश में बोल सकते हैं बैक्टीरिया, नीले हरे सवाल, ब्ली ग्रून एल्गी आदि ही कोशिकाएँ। सभी उच्च श्रेणी के विकसित जंतु एवं पौधे की कोशिकाएँ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें।